Please check the ingredients list in description box. Assalamualaikum. आज हम बनाने जा रहे हैं पुडिंग, जिसको पतेली बोलते हैं रांधेर में. ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ. मेरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. इसके लिए मैंने लिया हुआ है एक एग, एक कप दूध, 3.5 टीस्पून जितने शुगर, ड्रॉप ऑफ एसेंस वेनीला और ज़रा सा पानी. इसके अंदर हमने पतेली के जो मोल में हमने बनानी है, मैं दो छोटी छोटी बना रही हूँ. इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून जितनी शुगर मिला दी है. अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना पानी और इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल ऊपर से कैरेमलाइज हो जाए. और इसमें डालना है हमने थोड़ा सा क्रीम. अगर आपको क्रीम नहीं डालना है, अवेलेबल नहीं, आप मलाई भी डाल सकते हैं या उसको अवॉइड भी कर सकते हैं. ये जब इस तरह का कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, अब आपने इसको इस तरह से टर्न करते हुए पूरे में फैला देना है ताकि ये पूरा एक लेवल का लगे. और जब हम टर्न इसको करेंगे तो इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा. ये दोनों मोल मेरे पास कैरेमलाइज होकर रेडी हैं. इसको हमने ठंडा होना देना है, उसके बाद हमने इसका बीटिंग, जो हमारा बैटर है, वो बीट कर लेना है. इसके लिए मैं जग में सारी चीज़ें डाल दूंगी और इसको मैं बीट कर लूंगी. मैंने मिल्क और एग डाल दिया, शुगर और बाकी सारी चीज़ें डाल के इसको मैं बीट कर लूंगी. और क्रीम भी मैं इसी में डाल दूंगी. आपको जितना पसंद हो क्रीम मिलाए और जितनी मलाई पसंद हो मिलाए. मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना मिलाया इसमें. मेरा बैटर बीट होके रेडी है, मैं इसके अंदर पोर कर दूंगी. अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम पिसते हैं, अब इस स्टेज पे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं. और उसके बाद थोड़ी सी मलाई या क्रीम डालने के बाद इसको वाटर बाथ में बेक कर सकते हैं, या तो आप स्टीम कर सकते हैं प्रेशर कुकर में या चूल्हे पे या स्टीमर में. मैं इसको वाटर बाथ दूंगी तो मैंने मुझे इसके ऊपर बादाम पिसते नहीं पसंद, मैं इसमें नहीं डालूंगी. इस तरह से मैं इसके अंदर रख दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको वाटर बाथ दे के अवन में रख दूंगी. वाटर बाथ के अंदर अब मैं इसको तकरीबन आधा घंटा 180 डिग्री या 200 सेल्सियस के ऊपर रखकर सिर्फ नीचे की फ्लेम से इसको पका लूँगी. मैंने ऊपर कलर नहीं देना है और ये फिर रेडी हो जाएगा. ये हमारी पुडिंग बेक होके रेडी है. अगर आपको ऊपर से भी इसको कलर देना है तो जब ये हो जाए तो इसके ऊपर ग्रिल ऑन कर दें ताकि ये ऊपर से भी इसका कलर आ जाए. अब मैं इसको फ्रीज कर दूँगी और फिर इसको बिल्कुल चिल सर्व करेंगे. ये रेडी हमारी पुडिंग या पतेली. आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.